Welcome to the practical session of Data Communication and Computer Network. तो इस प्रैक्टिकल में हम पहले सेकेंड प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं, उसके बाद फर्स्ट प्रैक्टिकल, और जैसा सीक्वेंस दिया है उस सीक्वेंस से हमें ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट प्रैक्टिकल और सेकंड प्रैक्टिकल, लेट अस डिस्कस द वेरियस कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने एक स्विच आता है। ये स्विच हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें केबल की जरूरत पड़ती है। ये केबल है CAT6, UTP CAT6, that means unshielded twisted pair केबल। तो ये CAT6 केबल है, तो ये CAT6 केबल की जरूरत पड़ती है। अगर हम वायरलेस यूज कर रहे हैं, वायरलेस नेटवर्किंग अगर यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हमें वायरलेस राउटर की जरूरत पड़ेगी। डीलिंग का वायरलेस राउटर है, तो ये इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अगर हम वायरलेस राउटर यूज कर रहे हैं तो हमारे पीसी में वायरलेस NIC भी होना चाहिए। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, लेकिन ये वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ये वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसकी जरूरत पड़ेगी हमारे माइक्रो प्रोजेक्ट में। हम इसको परफॉर्म करने वाले हैं और साथ साथ में प्रैक्टिकल में भी परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड प्रैक्टिकल। तो सेकेंड प्रैक्टिकल ये केबल को फैब्रिकेट करना। हमने अभी जो केबल देखी, ये जो केबल है, सो दिस केबल इज ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी फैब्रिकेटेड ऑफ टू टाइप्स, दैट इज स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल। तो हम इस प्रैक्टिकल में दोनों केबल्स हम फैब्रिकेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल नंबर टू, क्रिएट डिजायर्ड स्टैंडर्ड नेटवर्क केबल इंक्लूडिंग क्रॉस केबल एंड टेस्ट बाय यूजिंग केबल टेस्टर। हम ये दिखाएंगे अभी केबल टेस्टर क्या होता है, नेटवर्क केबल कैसे फॉर्म करना है, मतलब बनाना है, फैब्रिकेट करना है। तो ये यूज करेंगे हम यूजिंग द RJ45। RJ45 R मीन्स रजिस्टर्ड, J मीन्स जैक, रजिस्टर्ड 45। यहाँ पर कुछ उपयोग है जो कि इसको हम कहेंगे कि इम्प्लीमेंट होता है। फैब्रिकेट स्टैंडर्ड नेटवर्क केबल यूजिंग क्रिम्पिंग टूल। हाँ, इसमें दो तीन टर्म्स हमें यहाँ पे यूज करने हैं। क्रिम्पिंग टूल है, RJ45 केबल है, पैच केबल है। ये टर्म्स हम देखेंगे जब प्रैक्टिकल का एक्चुअली सेशन हम प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसका आउटकम क्या है इस प्रैक्टिकल का, आइडेंटिफाई एंड फैब्रिकेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क केबल्स। ये टूल्स की जरूरत पड़ती है जब हम नेटवर्क केबल हम यूज करते हैं। तो दो टाइप के केबल हम यूज करते हैं, स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल। ये क्रॉस केबल का पर्पज क्या है लिखा है यहाँ पे, और स्ट्रेट केबल का पर्पज क्या है। तो क्रॉस केबल का पर्पज क्या है, व्हेन सिमिलर डिवाइसेस आर यूज्ड, मतलब दो स्विच है, दो राउटर्स है, दो PC है, इसको अगर हमें नेटवर्किंग में लाना है, एस्टैब्लिश करना है, देन वी कैन यूज क्रॉस केबल। स्ट्रेट केबल कब यूज करेंगे हम, जब डिसिमिलर डिवाइसेस हम यूज करते हैं, मतलब एक स्विच है, एक डिवाइस है, कंप्यूटर दूसरा डिवाइस है, तो ये दो डिसिमिलर डिवाइस हो गए।
एक स्विच हो गया और दूसरा एक स्विच हो गया और दूसरा कंप्यूटर हो गया। तो ये दो डिसिमिलर डिवाइसेस है, तो वहां पे स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ती है। क्रिम्पिंग टूल होता है, ये क्रिम्पिंग टूल है, RJ45 और CAT6 केबल है। क्रिम्पिंग टूल का इसके बहुत सारे यूज है, जैसे कि केबल को कट करना, क्रिम्प करना, मतलब पैक करना, टाइट करना कनेक्टर को RJ45 को केबल के साथ। RJ45 कनेक्टर है जिसके अंदर 8 केबल कंडक्टर्स होते हैं 4 पेयर में। उसका कलर कोड है, दो टाइप के हम यहाँ पे केबल स्टैंडर्ड हम देखते हैं, एक है 568A एंड दूसरा है 568B। तो कोई भी एक स्टैंडर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे, 568B हम जनरली यूज करते हैं। अब स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल में फर्क क्या है? सिंपल है, यहाँ पर भले आपको ये डायग्राम थोड़ी क्रिटिकल दिखती होगी लेकिन सिंपल है। वन नंबर पिन विल बी कनेक्टेड टू पिन नंबर थ्री, टू नंबर पिन कैन बी कनेक्टेड टू सिक्स नंबर, थ्री नंबर ऑब्वियसली वन, फोर एज इट इज, फाइव एज इट इज एंड सिक्स टू द टू। दो एंड होते हैं ना केबल के दो एंड होते हैं, तो दो एंड अगर हम देखते हैं तो दो एंड जो केबल है, ये दो एंड है, पिन नंबर वन मस्ट बी कनेक्टेड टू पिन नंबर वन, देन इट इज अ स्ट्रेट केबल। लेकिन यहां से पिन नंबर वन और यहाँ पे पिन नंबर थ्री को अगर केबल कनेक्ट होती है, दैट मीन्स इट इज अ क्रॉस केबल। पिन नंबर वन, पिन नंबर थ्री, फिर इसका पिन नंबर टू, इसका पिन नंबर सिक्स, इसका पिन नंबर थ्री, ऑब्वियसली पिन नंबर वन, फोर फाइव स्ट्रेट होता है, यहाँ से फोर तो यहाँ पर भी फोर, यहाँ से फाइव तो यहाँ पर भी फाइव, फिर बाद में आता है सिक्स नंबर, तो सिक्स नंबर कहाँ जाएगा यहाँ के पिन को, दो नंबर पे, तो पिन नंबर सिक्स, पिन नंबर टू, देन सेवन टू सेवन, एट टू एट, तो ये क्रॉस के। लेकिन अगर पिन नंबर वन से पिन नंबर वन, पिन नंबर टू, पिन नंबर टू, पिन नंबर थ्री, थ्री फोर, फोर फाइव, फाइव सिक्स, सिक्स सेवन, सेवन एट एट, तो वो क्या बन गया वहां पे, ये स्ट्रेट केबल बन गया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो टी जो पहला पिन नंबर वन है, पिन नंबर वन ये ट्रांसमिट करता है डेटा, ठीक है, पिन नंबर ट्रांसमिट करता है लेकिन वो प्लस है, ट्रांसमिट पिन नंबर टू भी ट्रांसमिट करता है वो माइनस है, फिर पिन नंबर थ्री रिसीव करता है प्लस, प्लस है वो, मतलब प्लस RX, और पिन नंबर सिक्स माइनस RX, और बाकी जो पिन्स है फोर पिन्स, फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट आर ग्राउंडेड। तो ये स्ट्रेट केबल यहाँ पे है और ये क्रॉस केबल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक कनेक्टर है, यहाँ पर एक कनेक्टर है, यहाँ पर एक कनेक्टर है और यहाँ पर एक कनेक्टर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट केबल और ये क्रॉस केबल। तो यहाँ पर 568A वायरिंग और 568B वायरिंग, हम जनरली 568B कर, कोई भी अगर आपने कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम जनरली क्या कह सकते हैं कि जब पिन नंबर वन रहेगा, पिन नंबर वन ये पिन नंबर थ्री को जब कनेक्ट होता है, ठीक है, तो ये पिन नंबर वन है यहां से और यहाँ पे पिन नंबर थ्री है, तो हो सकता है यहाँ पे 568A यूज कर रहे हम, तो यहाँ पे जनरली 568B यूज होगा जब ये क्रॉस केबल होता है। स्ट्रेट केबल अगर है तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड हमने यूज किया 568A, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 568A ही स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम 568B स्टैंडर्ड यूज करते हैं तो यहाँ पर भी हमें 568B स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं बात कि 568A, 568A, 568B, 568B दोनों तरफ सेम अगर स्टैंडर्ड है, देन इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट केबल। लेकिन अगर चेंज हो जाता है, यहाँ पे 568A स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 568B स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये बन गया आपका क्रॉस केबल, ठीक है।
तो ये तो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमें रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है, जैसा पीसी है, क्रिम्पिंग टूल है, RJ45 ग्राइंडर है, नेटवर्क केबल की जरूरत पड़ती है एक पीस, प्रोसीजर। तो ये तो हम अब प्रैक्टिकल में देख ही लेंगे कि तो कैसे इसको यूज करेंगे हम। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में आपने लिखना है पिन नंबर 1 का कलर क्या है, पिन नंबर 2 का कलर, 3 का, ये सारे कलर के नाम यहाँ पे लिखने हैं, और पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 ये लिखना है यहाँ पे, और कलर कोड। तो ये क्या है, दोनों स्ट्रेट केबल यूजिंग 5/6 बी, ठीक है। और अगर यही अगर क्रॉस केबल अगर होती है तो क्रॉस क्रॉस केबल में, यहाँ पे स्ट्रेट केबल में क्या होगा, यहाँ पे अगर ऑरेंज व्हाइट केबल है तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली ऑरेंज व्हाइट ही आएगा और यहाँ पे पिन नंबर 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पिन नंबर 1 है, पिन नंबर 1 है, इसका सपोज ग्रीन व्हाइट है, पिन नंबर क्या होगा यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या आएगा 3, और कलर कोड क्या आएगा इसका 3 का कलर कोड जो भी आएगा यहाँ पे लिखना है, इसका यूज क्या होगा ये भी यहाँ पे लिखना है सामने। फिर आते हैं कुछ क्वेश्चंस, हमने दो ही क्वेश्चन दिए इसमें, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेट केबल एंड क्रॉस केबल, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क केबल्स। तो ये वन बाय वन हम इसको अभी देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेमो। सो लेट स्टार्ट द डेमो ऑफ सेकेंड प्रैक्टिकल, दैट इज फैब्रिकेट द क्रॉस केबल एंड स्ट्रेट केबल। तो यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा दूं कि क्या क्या डिवाइसेस हमें कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए जरूरी होता है। ये है डी लिंक का एक स्विच जिसके अंदर ये पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट PORT, पोर्ट 1, 2, 3, ये 8 पोर्ट का डिवाइस है, ठीक है, जिसके अंदर हमें ये केबल इंसर्ट करनी होती है नेटवर्क की। तो जिस तरीके से मैं इसको इंसर्ट करता हूँ केबल, तो ये केबल और ये डिवाइस दैट इज स्विच। दूसरा है ये डीलिंक का, निकाल देता हूँ इसका ऊपर का कवर, ये डीलिंक का वायरलेस राउटर, ये वायरलेस राउटर है। इसका अगर हम पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 4 पोर्ट से 1, 2, 3 एंड 4, और ये येलो कलर का एक वैन का एक पोर्ट जो कि दूसरे राउटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें हम, एक छोटा सा होल आपको दिखाई दे रहा है एंटीना के पास में, बाजू में है ना, एंटीना के बाजू में छोटा सा होल, इसको पावर ऑन करना है, एडाप्टर लगाना है, पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के बाद ये हमारा जो पेन होता है, ये पेन जो पेन है, ये पेन यहाँ पर हम इसको इंसर्ट कर देते हैं, और थोड़ी देर आवाज़ आया आपको, तो ये दबा के रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये सामने के LEDs ग्लो होते हैं और आपका राउटर ये रिसेट हो जाता है। अब मैं फिर से आपको आवाज़ सुनाता हूँ, ऐसा टिक आवाज आता है, ये टिक आवाज आने के बाद इसको दबा के रखना है कुछ सेकंड्स तक, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक रिसेट हो जाएगा। जो भी पासवर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है, उसका नाम है, सब सारी चीजें, IP एड्रेस वगैरह सब सब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा। फिर वायरलेस NIC, ये भी एक कंपोनेंट है, वायरलेस NIC। इसके बाद टाइप्स ऑफ केबल में अगर हम देखें तो कोएक्सियल केबल भी यहाँ पर होती है। कोएक्सियल केबल के दो ही कनेक्टर्स होते हैं उसके अंदर, एक ग्राउंड और एक डेटा, जैसा हमारे टीवी के लिए जो केबल होता है दैट इज कोएक्सियल केबल। तो ये केबल, इसका जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर है,
इस कनेक्टर में इसको कहते हैं टर्मिनेटर। जैसे हम टोपोलॉजी पढ़ेंगे, टोपोलॉजी में ये सारी चीजें हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे। ये कनेक्टर टर्मिनेटर है और ये है बैरल जो कि केबल को प्रोलॉन्ग करने में इसकी सहायता होती है। और ये टी कनेक्टर है, टी जैसा दिखता है इसलिए टी कनेक्टर। यहाँ पर एक केबल, यहाँ पर एक केबल, जैसा कि ये केबल है रोबोस, तो ये केबल हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये हो गया केबल और यहाँ पर भी ऐसा ही बैरल लगा देंगे, दूसरा एक केबल। ये हो गया और यहाँ से हम कंप्यूटर को हमारे कनेक्शन देंगे। और जैसे लास्ट कंप्यूटर आएगा, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती है और केबल लगाने की, तो मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर देता हूँ। और टर्मिनेट क्यों टर्मिनेटर यूज करना है हम बाद में जैसे ही उसका सेशन आएगा हम देख लेंगे। फिर है RJ45 कनेक्टर्स। अब ये जो RJ45 कनेक्टर्स हैं, ये RJ45 कनेक्टर्स हमें UTP Cat6 केबल ये फैब्रिकेट करने में इसकी सहायता होती है। अगर हम अब नाम देखते हैं इसके ऊपर लेबल है UTP Cat6 केबल, केबल उसके ऊपर होता है। इसके ऊपर दिखाऊं और पढ़ के सुनाओ। ETL verified to ANSI TIA568 CAT6 UTP LAN cable, ये UTP CAT6 LAN cable है। उसके बाद अगर हम फैब्रिकेशन करेंगे केबल, तो हमारे पास एक और डिवाइस है जिसकी जरूरत पड़ती है और ये है क्रिम्पिंग टूल। इस क्रिम्पिंग टूल को हम यूज करके ये केबल बनाते हैं। जब केबल बन जाएगी तब हमें ये कनेक्टिविटी चेक करनी है। कनेक्टिविटी चेक करने इन द सेंस कि वहाँ पर ये केबल्स टोटल 8 कंडक्टर्स हैं, 8 कंडक्टर्स कनेक्टेड है या नहीं है, ये देखने के लिए हमें ये डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो कैसे हम केबल कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक एंड यहाँ पर और दूसरा एंड यहाँ पर, पावर ऑन कर देंगे। पावर ऑन करने के लिए हमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी, तो इसके अंदर हम बैटरी लगाते हैं और उसके बाद ये ऑन होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ये शायद डैमेज है। इस तरीके से हम इसको बाद में देखेंगे सेकेंड टाइम। तो ये डिवाइसेस हैं जो कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क केबल फैब्रिकेट करने में इसकी मदद होती है। तो कैसे करेंगे, तो शुरू में तो हमें केबल लेना है एक, और केबल लेने के बाद इसे कट करना है। इस तरीके से हम रखेंगे, यहाँ पे मैं सब कट कर देता हूँ। अब कट करने के बाद मुझे कुछ केबल का हिस्सा ये कट करना है, तो इसलिए मुझे कटर की जरूरत पड़ेगी। ऊपर का जो जैकेट है वही मुझे यहाँ पर कट करना है, ना कि पूरे केबल। तो इसको मैंने थोड़ा सा प्रेस किया और अब देखिए फिर से एक बार हो गया, ये कनेक्टर लगाने के लिए हम इस केबल को रिपेयर करेंगे। इसके अंदर एक सेपरेटर होगा, उस सेपरेटर को कट कर देंगे हम यूजिंग दिस कटर। यहाँ पर कटर है, करने के बाद इसको हम सेपरेट करेंगे। हर एक केबल जो ट्विस्टेड है इसको हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद
को हम सीक्वेंस में लगाएंगे, तो हम कौन सा सीक्वेंस यूज करेंगे, कौन सा स्टैंडर्ड हम यूज करेंगे, सो विल डिसाइड दैट। तो हमने डिसाइड तो कर लिया है कि हम 568B, 568B, फाइव सिक्स एट बी, ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें कलर कोड की जरूरत पड़ेगी, जैसा मैंने हमें प्रैक्टिकल जो मैनुअल है उसके अंदर हमने देखा कि पहला केबल 568B के लिए क्या होगा। तो आप बता सकते हैं 568A के लिए पहला केबल क्या होगा, अभी नहीं, पहले हमें केबल बनानी है। तो सीक्वेंस में पहले ऑरेंज व्हाइट, जो कलर है यहाँ पे ऑरेंज व्हाइट, ये हम पहले ऑरेंज व्हाइट लगा देते हैं। उसके बाद ऑरेंज व्हाइट, देन ब्लू व्हाइट, ग्रीन, ये सीक्वेंस है हमारे केबल का, ब्लू व्हाइट ग्रीन लगा दिया हमने, ब्लू व्हाइट ग्रीन। उसके बाद ग्रीन व्हाइट ब्लू और ब्राउन व्हाइट ब्राउन। अब ये सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट को ये, अब ये बना रहा हूं मैं अभी यहां पे, इसको प्रॉपरली ऐसे प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद हमारा जो कनेक्टर है, कनेक्टर की साइज देखिए और हमें कितना कट करना है, वहां से वो मार्क हो जाएगा। आप स्केच पेन का भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसको रखा और कट कर दिया, कट करने का आवाज आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा, ऑरेंज व्हाइट, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ग्रीन व्हाइट ब्लू, देन ब्राउन व्हाइट ब्राउन, ये कनेक्शन है, सीक्वेंस है। अब देखिए ये RJ45 कनेक्टर है, RJ45 कनेक्टर को पकड़ना कैसे चाहिए, ये देखिए मैंने इस तरीके से पकड़ा है कि इसके चैनल मेरी तरफ है और सामने ये फ्रंट साइड है और नीचे जो लॉक है, ये लॉक ये नीचे होना चाहिए, जो लॉक है ये लॉक नीचे होना चाहिए। सो दिस लेफ्ट साइड विल बी द फर्स्ट की, फर्स्ट केबल, फर्स्ट कंडक्टर। सो हियर पुट इनसाइड द कनेक्टर एंड प्रेस। ये 568B मैंने इस तरफ लगा है और मैं दूसरी तरफ अगर 568B लगाता हूं तो कौन सी केबल बनेगी, ऑब्वियसली स्ट्रेट केबल बनेगी। लेकिन अगर मैंने 568B यहां पे लगा चुका हूं मैं अभी, और यहां पर अगर 568A अगर लगाऊं तो फिर सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, इसका मतलब केबल चेंज हो जाएगी, इसका मतलब केबल क्रॉस केबल बनेगी। ठीक है, अभी यहां पे मैंने इंसर्ट कर दिया है। सो स्टूडेंट्स यू मस्ट डू दिस प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस, इफ यू हैव केबल, इफ यू हैव कनेक्टर, अगर नहीं है आपके पास कनेक्टर तो आप ले सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, ये मिल जाएगा आपको। केबल अगर आपको चाहिए केबल मिल जाएगी, लेकिन अगर ये लेना है तो ये 150 rupees का है, तो ये मिनिमम प्राइस वाला हमने इसको यूज़ किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स हैंडल दिस वन, सो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेजिंग द टूल्स। सो हमने इतना हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड हमने यूज़ नहीं किया, जैसे ही काम चलता है एक साल के लिए।
अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने पूरा इंसर्ट कर दिया है, तो सामने से अगर आप देखें तो यहाँ पर, अगर देखें आप, यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ कि कलर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सीक्वेंस आपका बन गया। अब यहाँ पे इसको प्रेस करना है और क्रिम्प करना है। तो क्रिम्प कैसे करेंगे? ये क्रिम्पर है, कटर है, हमारे लेफ्ट साइड में रखना है इसका। इसका जो कटर है ये लेफ्ट साइड में रखना है, ये सिंबल है ना यहाँ पे डिवाइस का, वो लेफ्ट साइड में हमें रखना है, मेरे लेफ्ट साइड में रखना है, क्योंकि यहाँ पर मेरा ये कनेक्टर है, जो स्लॉट है यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ ऐसे। अब ये लगा दिया, इधर से देखिए आप, यहाँ पर ये थ्रेड्स दिखते हैं आपको, तो ये और ये मैच होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से, है ना। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ, इसको मैं, ये मैंने प्रेस कर दिया, इसका मतलब ये केबल मेरी बन गई है, ये केबल बन गई। अब ये कनेक्टर निकलेगा नहीं, ये कनेक्टर अभी निकलेगा नहीं। इसको हमें चेक करने के लिए इस डिवाइस की जरूरत पड़ती है। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ये जो अभी दूसरा केबल, दूसरा एंड तो बनाया नहीं हमने, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब हम इंसर्ट करते हैं केबल, जब हम केबल इंसर्ट करते हैं तो इस तरीके से इंसर्ट करना है जैसे कि आवाज आए, आवाज आ गया। और जब हम इसको रिमूव करते हैं, यहां से निकालते हैं, तो यही जो ऊपर का लॉक है, इस लॉक को हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे और उसके बाद खींचेंगे। सो दिस इज द वे ऑफ रिमूविंग एंड इंसर्टिंग द नेटवर्क केबल। केबल है ये, हमने इंसर्ट किया और प्रेस किया तो आवाज आती है, ठीक है। और रिमूव करने के लिए मुझे सिंपली आई हैव टू प्रेस द लॉक, लॉक मैंने प्रेस कर दिया और बाहर निकल दिया। सो इन दिस वे यू कैन परफॉर्म द प्रैक्टिकल। अब दूसरा एंड है, अब एक एंड तो हमने बना लिया, तो दूसरा एंड की बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही सेम अगर हम रखते हैं तो स्ट्रेट केबल बन गई। और अगर क्रॉस केबल बनाना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पहला नंबर का क्या कलर कोड था, ऑरेंज वाइट, है ना, ऑरेंज वाइट है ना, तो यहाँ पे वो तीन नंबर का हो जाएगा, तो हमें तीन नंबर पे ऑरेंज वाइट लगाना है। फिर एक नंबर पर क्या आएगा, क्योंकि पहला ऑरेंज वाइट है, दूसरा ऑरेंज है, फिर ग्रीन वाइट है, ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रीन वाइट आएगा पहला, तो पहला ग्रीन वाइट आएगा, ग्रीन वाइट ग्रीन, और सॉरी ग्रीन व्हाइट ब्लू, ग्रीन व्हाइट, उसके बाद दो नंबर का पिन जो भी आएगा वो नंबर, यहाँ पे जो सिक्स नंबर का पिन है, यहाँ पे वो टू नंबर का पिन हो जाएगा, यहाँ पे जो थ्री नंबर का पिन है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर का आएगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस अगर वो चेंज हो गया तो 5 6 8 A बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये 5 6 8 A बनेगा और ये 5 6 8 B बनेगा, तो ये क्रॉस केबल बनेगी। दोनों अगर 5 6 8 A या फिर 5 6 8 B है तो फिर क्या होगा, ये स्ट्रेट केबल बनेगी। सो कंप्लीट द प्रैक्टिकल विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट एंड सबमिट इट। इफ यू फेल टू सबमिट इट यू विल यू मे लूज द मार्क्स। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर, कंटिन्यू विद योर फर्स्ट प्रैक्टिकल सबमिशन। So here we can perform the second practical. In the sequence we have the sequence change, that is second practical should perform first and then first and then for 11 3 like this. There is a sequence given
in the गूगल क्लासरूम। आप देख सकते हैं वहाँ पे कि आपका सीक्वेंस, प्रैक्टिकल का सीक्वेंस भी हमने चेंज कर किया है। अब बात यह है कि ए बैच मेरी तरफ है, बी और सी बैच पुसतकर मैडम के पास है, लेकिन यह है कि अगर मुझे थेरी अगर लेना है तो थेरी के बाद मुझे थेरी कंटिन्यू करने के लिए, एक मिनट मैं पेंसिल लेके आता हूँ, थेरी लेने के लिए मुझे चाहिए कि मैं प्रैक्टिकल भी साथ में ले लूँ। तो प्रैक्टिकल थेरी ये दोनों इंटरलिंक्ड होंगे एक दूसरे के। तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस वही रखना है जो मैंने दिया है। कहाँ गई पेंसिल? ठीक है, कोई बात नहीं, पेंसिल नहीं दिख रही है क्योंकि मुझे अटेंडेंस लगानी है 41 निंभोरकर, 41। सो प्रैक्टिकल पूरे 14 प्रैक्टिकल्स हैं। बी और सी बैच के प्रैक्टिक्स का असेसमेंट पुसतकर मैडम करेंगी, साथ में माइक्रो प्रोजेक्ट का जो भी काम रहेगा वो पुसतकर मैडम संभालेंगी। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकल मैं 14 प्रैक्टिकल्स मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। और मैडम ने, एक मिनट, अभी कौन आ गए? अभी मत ज्वाइन करो ना, खत्म हो गया अभी, ये टाइम थोड़ी है 12:45 का। 70, 54, 81। अब मेरे पास पेन भी तो नहीं है, पेंसिल कहाँ गई? मार्क करने के लिए वो भी तो चाहिए, अभी तो थी। पता नहीं कहाँ चलेगी। ठीक है, मिल गई 41 40 70। किसका नंबर है? श्रावणी काले 54। ठीक है, तो माइक्रो प्रोजेक्ट का काम और कंटिन्यूअस असेसमेंट का काम मैडम करेंगी, बी और सी बैच का, और ए बैच का तो मैं कर ही रहा हूँ। और साथ में जो प्रैक्टिकल्स रहेंगे आपके, वो सारे प्रैक्टिकल्स मैं देख लूँगा। ठीक है, तो किसी ट्यूसडे को मैडम का रहेगा सेशन, और किसी स्टूडेंट ट्यूसडे को, जैसा भी बन पाता है हम देख लेते हैं, तो ऐसे सैटरडे या फिर संडे हम एक्स्ट्रा परफॉर्म करके ट्यूसडे को असेसमेंट वगैरह करेंगे। और मैं डेडलाइन दी है प्रैक्टिकल की, आप देख लेना उस प्रैक्टिकल का डेडलाइन, और विद इन अ टाइम पीरियड एक फॉर्मेट भी दिया है, उसी फॉर्मेट में आपको ये प्रैक्टिकल सबमिट करने हैं। आपने तो क्या करेंगे कि पूरी फाइल सबमिट कर देते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो पूरी फाइल सबमिट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली 2 या 3 पेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस ही होते हैं जो मैंने फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट में आपने इसको सबमिट करना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इसको बंद कर देते हैं और गूगल क्लास पे आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ।